किसी राज्य के विकास के लिए नागरिकों का खुश रहना जरूरी है, क्योंकि किसी राज्य का विकास तभी मुमकिन है जब उस राज्य में रहने वाले लोग खुश हों और आनंद से रहें। लेकिन आज के फास्ट फॉरवर्ड जमाने में इंसान भौतिक सुख सुविधाओं की तलाश में दिन रात दौड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में वो सब कुछ भूलकर बहुत कुछ पाने की चाह में अपना सब कुछ गंवा रहा है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिकों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए साल 2016 में नायाब पहल करते हुए आनंद विभाग की स्थापना की थी। देश में पहली बार किसी सरकार ने नागरिकों की खुशहाली को मापने और खुशहाली के प्रचार प्रसार के लिए संस्थानिक स्तर पर पहल की। आनंद विभाग के लिए बाकायदा करोड़ों के बजट का प्रावधान भी किया गया, मगर आनंद विभाग के गठन के साथ साल भर भी सरकार प्रदेशवासियों की जिंदगी में मिठास खोलने और मुस्कान बिखेरने में नाकामयाब रही। आलम यह है कि खुशहाली के मामले में मध्य प्रदेश देश के राज्यों की सूची में 29वें पायदान पर है। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की बात करें तो मध्य प्रदेश 33वें पायदान पर है। देखिए, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो कुछ कम तो हुआ है वो पहले के मुकाबले। लोग अभी थोड़ा दुखी जा रहे हैं, लग गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। अभी पेंडेमिक से अपन उभर ही रहे हैं और लोगों ने अपने आसपास बहुत चीज़ खोई है। किसी ने जॉब खोया, किसी ने अपने आसपास के लोगों को खोया, अपने परिवार वालों को खोया है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्क तो पड़ा ही है। दरअसल खुशहाली के आकलन के लिए जो पैमाने तय किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से 6 पैमाने हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, जीवन प्रत्याशा, उदारता, सामाजिक सहयोग, आजादी और भ्रष्टाचार। किसी भी देश के नागरिकों की खुशहाली इन 6 मूल कारणों से तय होती है। इन पैमानों पर मध्य प्रदेश की स्थिति बेहद दयनीय है और आनंद विभाग औपचारिकता पूरी करने से ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया। और आज की परिस्थिति में हमारे पास क्वेश्चनेयर तैयार हैं, उसकी मेथोलॉजी तय हो गई है और जल्दी ही हम मध्य प्रदेश का एक नया हैप्पीनेस इंडेक्स लेके आएंगे जो यहाँ के स्थानीय परिवेश में लोगों के आनंदित रहने के इंडिकेटर्स के बारे में और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा। मध्य प्रदेश में तो खुशियाँ हैं लेकिन हमारे परिवार में और हमारे बीच में तो अंधकार है, ना खुश हैं हम। वर्तमान में तो हमारी युवाओं की, चाहे प्रदेश में हो चाहे हमारी स्वयं की हो, हमारी स्थिति यह है कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या तक करने का हम लोगों को ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। महंगाई आसमान छू रही है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं युवा साथी हमारे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 1.5 साल हटा दिए जाएं तो पिछले 19 सालों से BJP सरकार सत्ता में काबिज रही। लगातार प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के दावे और वादे भी बहुत खूब किए गए, मगर प्रदेश की स्थिति तमाम मानव विकास सूचकांकों और खुशहाली के सूचकांकों पर बदतर ही होती गई। और सरकार का एक सराहनीय कदम भी जिम्मेदार अधिकारियों की लाल फीताशाही का शिकार हो गया। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से संजय डोंगर दिवे की रिपोर्ट।